हेलो, सो वेलकम बैक। आई नो इट्स हैज बीन ए रियल लॉन्ग टाइम। मैंने कितने लगे 1 मंथ से कोई वीडियो नहीं रखा, अपलोड नहीं किया। लेकिन सॉरी, मेरी स्कूल स्टार्ट हो गई थी तो मैं एडिट ही नहीं कर पाया अपना कोई भी वीडियो। लेकिन हाँ, हियर आई एम बैक विथ माई न्यू वीडियो। सो आई होप यू विल लाइक इट। एंड वंस अगेन सॉरी फॉर द डिले। लेकिन हाँ, अभी थोड़ा कुछ रेगुलर हो सकता है तो मैं अपनी पूरी ट्राई करूँगा। हरे कृष्णा, एंड वेलकम बैक। और अगर मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता है कि मैं ब्रज टेम्पल से निकले थे और अभी हम पहुंच चुके हैं न्यू जर्सी के रॉबिन्सविल में अक्षरधाम टेम्पल। यस, अभी मैं पार्किंग लॉट में हूँ। इसका पार्किंग लॉट भी बहुत बड़ा है। तो अभी हम फाइनली पहुँच चुके हैं। ये है टेम्पल, हम वहाँ से देखेंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ। तो हम फाइनली अब पहुंच चुके हैं मंदिर के स्टार्ट में। यस, और यहां से मंदिर बहुत प्यारा लग रहा है। वैसे मैं पहले भी आया था लेकिन मैं सॉरी, वहां पे विंड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए अब मैं घर पे एडिट करते वक्त पूरा वॉइस ओवर करने वाला हूं। सो आई होप यू गाइस विल लाइक इट। सो अब हम जब लास्ट टाइम आए थे तब वो मेन मंदिर खुला नहीं था, तो हम ये टेम्पररी मंदिर जो था वहीं पे गए थे। लेकिन अब इस बार हम फाइनली, जो क्योंकि ये अब स्टार्ट हो चुका है, तो अब हम जा पाएंगे फाइनली टेम्पल में। और यहीं पे बाहर जब हम एंटर करते हैं, वहीं पे यहाँ पे एक मैप है जहाँ पे बताया गया कि उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था और उनका पूरा पाथवे जो उन्होंने किया था ऑल अराउंड इंडिया, तो ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा, अगर आप यहाँ पर साइड पर देखोगे, यहाँ पे कोई भी चीज़ आप देखो, उसका एक एक पिलर इतना अच्छे से उन्होंने कार्विंग किया है। और डिटेलिंग जो है वो मतलब आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते वर्ड्स के साथ। यहाँ पे साइड पे जितने भी एक स्टोन है उस पर भी कई सारे डिटेल्स और कई इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे बताई गई है। और ये यहाँ पे सारे पत्थर पे है, सारे स्टोन्स लाइक दोनों साइड पे हैं। सो अब ज़्यादा हम देर नहीं करेंगे, हम जल्दी से जाएंगे यहाँ पे वेलकम लाउंज में और वहाँ से यहाँ एग्जिट करके हम जाएंगे टेम्पल में। और हाँ, आई होप यू गाइस विल लाइक इट। यहाँ पे बहुत सुंदर फाउंटेन और बहुत कुछ देखने के लिए है। और अगर एक मंदिर को मैं और भी नज़दीक से जाके दिखाऊंगा, सो बी टिल दी एंड। एंड यस, क्योंकि मंदिर में शूट करना अलाउड नहीं है तो मैं मंदिर के अंदर नहीं शूट करूँगा, लेकिन जितना भी मैं शूट कर पाऊँगा आपको डेफिनेटली दिखाऊँगा। लेकिन अभी के लिए चलते हैं अंदर। अगर मैं आपको यहाँ पे एक एक पिलर भी अगर दिखाऊँ तो उसमें भी आपको बहुत सी डिटेलिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम अंदर आ चुके हैं और सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे मंदिर के अंदर एंटर, हमें मंदिर के अंदर तो शूट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, यहाँ बाहर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है और डिटेलिंग तो एक नंबर। हाँ, लास्ट टाइम हम लोग इस बारे में गए थे जो टेम्पररी मंदिर था, लेकिन अब क्योंकि मेन मंदिर खुल चुका है तो हम वहीं जाएंगे। यहाँ पे बहुत कुछ देखने को है, आप लोग भी एक बार आपको आना चाहिए। यहाँ पे दोनों साइड बहुत ब्यूटीफुल एलिफेंट्स भी हैं और वो भी बहुत प्रीटी लग रहे हैं। मैं इस वाले को आपको नज़दीक से दिखाऊंगा। Thank you.
अभी हम बाहर आ चुके हैं। इट वॉज अमेजिंग। एक एक जो पिलर था, सब कुछ डिटेलिंग थी, इतनी अच्छी थी कि बात नहीं सुनते। और अभी हम अब बाहर आ चुके हैं यहाँ से, एग्जिट से, और यस निकलते हैं। यहाँ ले दिखाइए एलिफेंट वाली चीज़ जो मुझे पसंद आई थी। और अब हम जाएंगे थोड़ा इस तरफ से वापस बाहर। और हाँ, यहाँ पे कैफेटेरिया भी बहुत मस्त है, तो एक बार वहाँ पे भी जाते हैं। बने रहिए क्या मेरे सर। यहाँ पे कैफेटेरिया तक और जाते वक्त हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। वॉल पे उन्होंने पिक्चर्स रखी थी कि वो कैसी थी जर्नी उनकी, और बहुत सी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। यहाँ पे कई लोगों ने वॉलंटियर्स किया था, जो आप मानोगे नहीं, लेकिन उनकी भी इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत अच्छी है। सो जस्ट ए रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन। सो राइट नाउ हम उनके गिफ्ट शॉप में एंटर कर रहे थे, और जैसे ही मैंने एंटर किया, यहाँ पे सीलिंग मुझे बहुत प्रीटी लगी। ये जो भी कुछ था गिफ्ट शॉप में, बहुत कुछ नया था, बहुत सी सारी चीज़ें थी जो एक बार तो देखनी चाहिए आपको भी, तो ज़रूर जाइएगा। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर भी आपको अपने घर के लिए मिल सकते हैं। अब हम निकल गए हैं और जा रहे हैं हम कैफे देविया में, जहाँ पे हम अभी खाना देंगे। लेकिन वहाँ पे कैफेटेरिया में जाने से पहले हमें सामने एक अच्छी सी स्टोर दिखी, जहाँ पे मैंने जब अंदर गया और वहाँ पे हमने देखा कई सारी चीज़ें मिल रही थी, और हमें कई सारी स्नैक्स की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो टिपिकली हमारे इंडियन ट्रेडिशनल चीज़ें थी। यहाँ पे बहुत सारी स्वीट्स भी मिल रही है। बट आई हैव टू से कि यहाँ पे इस टेम्पल में इन लोगों ने बहुत सी चीज़ें कर रखी है जो कई लोगों को नहीं पता होगी शायद। वन ऑफ माई फेवरेट खाखरा। यस खाखरा मिल रहा है। फाइनली हम अब जा रहे हैं वापस घर, बहुत थके हैं। और मंदिर तो बहुत मस्त था, खाना भी यहाँ का बहुत अच्छा था। और अब मैं एग्जिट कर चुके हैं और अब जा रहे हैं। तो जी मैं भी अब व्लॉग एंड करता हूँ, और बाकी तो और कुछ नहीं है यहाँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्णा।